दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए लाया हूँ। एक दिक्कत ज़्यादा आ रही है कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जी इसमें जनरेटर जैसे कि सही चल रहा है और उस पर एकदम लोड पड़ता है तो इंजन बैठ जाता है या उसका करंट गायब हो जाता है, इंजन फ्री चलने लगता है और करंट गायब हो जाता है। तो इस समय से ज़्यादा चल रही है तो आज हम इंजन के बैठने की टॉपिक पे बात करेंगे। जी इंजन बैठ जाता बंद हो जाता है लोड पड़ने पे, ऐसा क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं इसमें दो तार निकलते हैं हमारे, जो इसमें दो तार निकलते हैं प्लेट प्लेट में से। तो ये देखें, ये मैन तार हैं और मैन तार जो हमारे एमसीबी में या किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं उनको आप खोल के पहले एक तरफ कर लें। कई बार ऐसा होता है कि ये तार जैसे डायोड फूक जाते हैं तो जब तार आपस में शॉर्ट होते हैं उस तरीके से बिहेव करते हैं, तो डायोड जब शॉर्ट हो जाते हैं तो उसमें हमारा इंजन बैठ जाता है बिल्कुल और जनरेटर बंद कर देता है या तो बीच की हमारी कपलिंग तोड़ देता है जो इंजन को और अल्टरनेटर को जोड़ती है। ठीक है जी, उसको आप ये डायोड चेक कर सकते हो और जब आप देख रहे हो कि लोड पड़ने पर हमारा इंजन बैठ रहा है तो आपके डायोड सही हैं और जनरेटर करंट भी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर लोड गिरने पर ही बैठ रहा है तो आपको इसका कोई वाइंडिंग नहीं चेक करनी है। तो इसमें आप ये आर्मेचर को देखोगे या किसी और चीज़ को देखोगे तो वो आपको कुछ नहीं देखना है उसमें। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, जब आपके डुप्लीकेट डायोड सही है और करंट बना रहा है लोड डालने पे ही हो रहा है तो आप उसमें ये चेक कर सकते हो। आपकी एमसीबी जो ख़राब होती है, कहीं बीच में एमसीबी लग रही है तो वहाँ से तार हटा सकते हो या फिर आपके जो बीच की तार है डायरेक्ट यहाँ से पूरी केबल बदल सकते हो, क्योंकि कई बार होता है एमसीबी ख़राब होती है तो भी ये बैठ जाता है और बीच में कोई तार पड़ी हुई है आपको अलग दिख रही है फिर भी उसे अलग कर लें तसल्ली के लिए और आपका फॉल्ट ख़त्म हो, क्योंकि तार शॉर्ट होती है। ठीक है जी।